पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। हरदोई में कछौना क्षेत्र के किसानों से धान खरीद के लिए कछौना से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर हेमनखेड़ा में क्रय केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। व्यापारियों से धान खरीद कर कागजों पर लक्ष्य पूर्ति की जा रही है। दूसरी तहसील ब्लॉक के किसानों के नाम पर करीब 1000 क्विंटल धान की खरीद बताई जा रही है, जबकि कछौना के किसान उपज बेचने के लिए कहां जाएं के लिए परेशान हैं। हथौड़ा गांव निवासी किसान अशरफ का कहना है कि किसान यूनियन के दबाव में कछौना से 8 किलोमीटर दूर हेमनखेड़ा में केंद्र खोला गया है। केंद्र प्रभारी एक दिन भी नहीं आए, मजबूरी में 10 रुपए किलो बेचने को विवश हैं। हथौड़ा निवासी रामरतन अपनी व्यथा बताते रो पड़े और कहा कि परिवार में शादी है, मजबूरी में माटी के भाव धान बेचना पड़ रहा है। एक बार केंद्र प्रभारी से मुलाकात हुई तो 500 रुपए प्रति क्विंटल खर्च की बात कही थी। किसान हीरालाल का कहना है कि धान खरीद नहीं हो और न ही केंद्र प्रभारी आते हैं। सरकार किसान की आय दोगुना करने की बात कह रही है। डीएपी 30 रुपए किलो और धान 10 रुपए में बेचना पड़ रहा है। हथौड़ा निवासी हरिराम का कहना है कि केंद्र पर कोई आता नहीं है, केवल बैनर लगा हुआ है। केंद्र प्रभारी हरदोई में रहकर लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। केंद्र प्रभारी विनय पाल सिंह का कहना है कि 109 एमटी धान खरीद जा चुका है, कछौना के किसी किसान की तौल नहीं की गई है। किसानों का धान न बिकने से किसान बाजार में कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। रामतन, मैं पूर्व हथौड़ा मूल निवासी हूं। मैं यहां पर के धान केंद्र पर आता हूं, यहां पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है और 10 रुपये किलो हम मजबूरी में मुझे यानी कि बेचना पड़ रहा है। हमारी अगले महीने में लड़की की बारात है। निवासी पूरब खेड़े में रहते हैं। हमारा धान यहाँ कभी खरीदा नहीं गया, लोग दलालों का धान खरीदा जाता है। यहाँ हमारा 10 रुपया किलो मांगा जाता है और हमारे वहाँ छप्पर अप्पर पर ही पन्नी अन्नी, हमें स्लिप्ट रहना है और कोई धान हमें हमारा ले नहीं रहे। दिवाकर प्रताप सिंह, निवासी हेमनखेड़ा। हमारे घर के पास ही क्रय केंद्र है, धान का खोला गया है, परंतु आज तक हमारे वहाँ कोई भी धान की खरीद नहीं की गई। गैर तहसीलों के शाहबाद और सवाईपुर का धान खरीदा जा रहा है, हैं और दलालों का धान खरीदा जा रहा है। हमारे वहाँ कोई भी धान आज तक सब पड़ा हुआ उसके जमीन पर है, कोई धान खरीदारी नहीं हुई है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।